Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Satya. Here I am, Mrs. Anila, Imran, and she will watch you for the Educational Center. Satya, aaj aapki dost aur israr aur the theseatext aa raha hai aur the theseatext jahan se humne act 4 se isko remain kiya tha hamari last lines thi jahan par fun bhi usko swim karke dikha rahi thi aur two ladies ne uske saath wo le rakha tha ek kapda sa usko dhapne ke liye ki ye pani hai aur ye piche piche tair rahi hai. अब मफनवी बाहर आई है, कहती है आई कम अलोंग स्पिरिंग वाटर आउट ऑफ माय माउथ, मैं बाहर आई हूँ अपने मुंह से पाँव को थूकती हुई. नॉट द पैडल्स, उसने कहा नहीं, वो डॉग जो है वो पैडल्स करते हैं, चप्पू की तरह अपने हाथ चलाते हैं. मिसेस राफी के अथॉरिटी है, वो सबको हिदायत देती है, हर एक को टोकती है. आई थिंक, मैं सोचती हूँ इट्स टू ऑब्वियस यूरिटाइज. मैं कहती हूँ ये बहुत ज्यादा वासिया है तुम्हारे लिए, किरदार का नाम है ना, आर यू फॉर एवर लॉस्ट, क्या हमेशा तुम खोई रहती हो. नो नो, आई कैन नॉट बेयर इट, नहीं मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारी हरकतें तुम किरदार में सही तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है. अम्मा फनी बोली जल्दी से, हु कॉल्स, वो जो कि किरदार में आ गई है, वो कहती है व्हाट अ टाइम ऑफ शॉक्स साउंड स्टोरीज हॉल्स ऑफ डेथ. हाय, कैसी आवाज़ें आ रही हैं मुझे यहाँ पर इस मौत की वादी में, कौन आया है जो मुझे पुकार रहा है. वो जो कि किरदार में आ गई है, तो उसने फोन से पहले अपने डायलॉग्स बोलने शुरू कर दिए ताकि ये थोड़ी ठंडी बढ़ जाए. इज इट दैट ऑल राइट, क्या सब ठीक है. अब चूंकि वो भी किरदार में आगे कहती, डोंट बी अफ्रेड टू अटैक योर हार्ट, अपने तरीके से जो है ना हमला करने की कोशिश ना करो. आई स्टार्ट अप क्रेजी एट द साउंड ऑफ योर वॉइस, मैंने दीवानों की तरह तुम्हारी आवाज के साथ शुरू कर लिया है स्टार्टअप, यानी मैंने इब्तदा ले ली है. आई कैन नॉट सी इन द डार्कनेस, मैं अंधेरे में देख नहीं सकते हूँ. आई क्राई, फिर मैं चिल्लाती हूँ, यूरिडाइस, कहाँ हो तुम, इज इट यू, क्या तुम ही हो. ये स्मार्ट प्रोनाउंस आर आंसर्ड, हाँ हाँ, अब मेरी दुआएं मुकम्मल हो गई हैं. आई स्टेप फ्रॉम द वाटर, मैं पानी से बाहर आई एंड शेक माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को झटके ले लेकर हिलाया. शेक योर सेल्फ, आप उसे ऊपर से डांस किया जा रहा है, शेक योरसेल्फ. तो उसने आगे से जवाब दिया, ऑल द डॉग्स शेक देमसेल्फ, हम सारे के डॉग पानी से बाहर आते हैं, झटके लेते हैं अपने आप को. व्हेन दे लीव द वाटर, जब पानी छोड़ते हैं, आई हैव स्टर्लिंग आवर रॉगर, मैंने अपने रॉगर के बारे में पढ़ चुका है, ये उसका अपना कोई कुत्ता है. वेरी केयरफुली फॉर द पार्टी, मैंने उसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ा है और बहुत मैंने उसकी स्टडी की है कि जब पानी से बाहर आते हैं तो झटकते हैं, और ये बात वाकई सही है. शी से एक्सरसा, वो अपने आप को हिलाती है. जिली एंड रोचल पुट द coverlet back on the bookcase. अब उन दोनों ने जो ऊपर शॉल्स और रखी थी, जो उन्होंने अपने आप ढांप रखा था, उन्होंने जाके ना किताबों वाली अलमारी में वो शॉल्स वापस रख दी. वो शॉल वो वाली थी जो उन्होंने इसका वाटर बनाया था, वो शॉल उन्होंने रख वापस रखी जो हॉल बनाया हुआ था इसका. अब जेली आई, इट्स सो रियल फनी, हाँ ये बड़ा हकीकी लेकिन थोड़ा मजाकिया भी है. आई कैन फील द वाटर, मुझे तो पानी महसूस हो रहा है. आई वॉन्ट टू ड्राई माई सेल्फ, मुझे अपने आप को सुखाना है. मिसिज राफी, अभी ये चली है ना, ये एक नौजवान सी लड़की है, तो टीनेजर है, जल्दी जल्दी ये जज्बाती हो जाती है. मिसेस राफी, आई वांट टू पुट ऑन माय ओवर शूज एंड ओपन माय अम्ब्रेला, ऐसा लग रहा है मैं अपने लॉन्ग शूज पहन लूँ, मिस्टर शिवाज शरीफ वाले वो जो बारिश में पहने जाते हैं घुटनों तक शूज, कहती है मैं वो पहन लूँ और अम्ब्रेला भी खोल लूँ. कहती है यस डियर, डिस्क्राइब योर रिएक्शंस लेटर, ओवर टू यू, हाँ बताना सब कुछ, अपने सारे ख्याल बताना, लेकिन चाय के बाद. The sound so interesting and fresh. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब दिलचस्पी ले रहे हैं, सब बड़े ताज़ा दम हो जाएंगे चाय के बाद. और भी मुफन भी, from whence this voice of terror, कहाँ से आ रही है ये आवाज़ें, ये खौफ और दहशत की आवाज़ें, वो किरदार में खोई हुई है अभी तक. It is voice of living man. ओह, ऐसे लग रहा है किसी इंसान की आवाज़ है. The dead are spared such suffering. मुर्दा जो होते हैं वो तो अलग होते हैं इस किस्म की तमाम परेशानियों से, यानी मुर्दा लोगों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ जिंदा लोगों में ही होते हैं, सफरिंग्स वगैरह के. ओ मॉर्टल, ए खुदाया, डू नॉट डिस्टर्ब दीज शेड्स ऑफ डार्कनेस, मुझे इन अंधेरों में परेशान मत किया जाए. अनो ओपन द डोर, अब उसने ये कहा परेशान मत किया जाए, सडनली दरवाजे पर दस्तक हो गई. Never more shall I be silent. मैं अब मजीद खामोश रहूं, मुझे खामोश रहना चाहिए. Oh, I take the wild beast. मैंने तो जंगली जानवरों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पास्ट पेपर्स में आई हुई है, मैंने जंगली जानवरों को भी पालतू कर दिया. ये मिसेस राफी का अपने मुंह से कहा गया
एक उसका अपना डायलॉग है और यही इसकी अथॉरिटी बताता है, बट आई कैन नॉट टेम द टॉर्मेंट ऑफ माई ब्रेस्ट, लेकिन मैं अपने दिल की अजियत को, अपने दिल की परेशानी को तसल्ली नहीं दे पाई, यानी टेम नहीं कर पाई, उसे बाउंड नहीं कर पाई। देयर्स द मेड पुट्स हर हेड अराउंड डोर। अब नौकरानी अंदर आ जाती है और नौकरानी अंदर आके उन्हें बता रही है कि भाई कोई आया है। मिसेस ऑफ व्हाट इज इट डेयर्स डेयर्स, ये क्या है? डेविस बोली, ओह बेग पार्डन मैम, मिस्टर खासम आ गए हैं, माफी चाहती हूँ मैम साहब, यू सेड टू शो हिम इन एनी टाइम, आपने कहा था उसे किसी वक्त भी मेरे पास ले आना। मिसेस राफी नॉडिंग टू डेविस, सर खिलाती है, कहती हाँ कहा तो था तुम्हें कि जब भी वो आए मेरे पास ले आना। सर खिलाती है, लेडीज यू डोंट माइंड, डेविस गर्ल्स, कहती है प्लीज आप बुरा मत मनाना। और वो नौकरानी चली जाती है। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स चंदी लम्हों में द लेडीज स्टैंड, खड़ी हो जाती हैं एंड फिजिट नर्वसली, और परेशान हो जाती हैं। विजिट का मतलब है परेशान हो जाना, अनईजी फील करना, और इधर उधर देखती हैं कि अब ये आदमी आ गए, इसके सामने रिहर्सल करनी पड़ेगी। देन विली कम्स इन, विली आ जाता है, ही लुक्स अराउंड एट द डार्कनेस ऑफ, ये अंधेरे को देखता है, ये क्या काला अंधेरा फैला रखा है हर तरफ। मिसेस राफी कम इन मिस्टर खासम, वी आर रिहर्सलिंग द परफॉर्मेंस, अंदर आइए मिस्टर खासम, हम परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे हैं। विली, ओह आई एम सॉरी माजरत खान, लेट मी कम बैक एट, सो मैं वापस चला जाता हूँ। मिसेस राफी, नो नो डू कम इन, अंदर आइए, हियर इज माय नीस, आई मिले, ये मेरी भतीजी भांजी जो भी ये लोग आपस में कहते हैं, रोज है, रोज का ही तो वो कॉलिन मंगेतर था। मिस जोन हाउ डू यू डू, कैसे हैं? हाँ आई विश मीटिंग वाज डिफरेंट, मैं जानता हूँ हमारी ये मुलाकात मुख्तलिफ है, आई कैन ओनली टेल यू, मैं यही कह सकता हूँ क्यों, क्योंकि अब वो वफात पा चुका है, तो अफसोस की मीटिंग है। मिसेस राफी ने फौरन से पहले उसे चुप करवाना चाहा, अथॉरिटी अगेन, शश नटना, अभी नहीं चिल्ड्रन, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसका मूड खराब हो गया तो रिहर्सल खराब हो जाएगी। रोज शेक्स विलीज हैंड, वो आती है और उसके हाथ को थपथपाती है, देन गोज बैक टू हर प्लेस, फिर अपनी जगह वापस चली जाती है, सिट ऑन बैठ जाती है, सिट डाउन, ये मिस्टर राफी ने कहा, सिट ऑन मिस्टर खासम, बैठ जाइए जनाब, योर प्रेजेंस माइट शेम अवर लेडीज, आपकी मौजूदगी शायद खवातीन शर्म खाएं इनटू सम एफर्ट्स एट क्रिएटिविटी, क्योंकि उन्हें कुछ तख्लीक करना है, ड्रामे के लिए हासिल कर रही है ना। आई एम अबाउट टू क्रॉस द स्ट्राइक्स ऑफ स्ट्राइक्स बाय फेरी, अब ये स्ट्राइक्स है ना, ये दरिया है, ये कहती है मैं उस दोसख के दरिया के पार बैठी हुई हूँ और फेरी करना है, इन लोगों को पार आना है मेरे पास, इनको जो काला पानी सा बनाया हुआ था वो दरिया का सीन था, और उस सीन के पार इन लोगों को जाना है, और फिर उसमें से उसने डोग ने भी तैर के आना है इसके पास, इसलिए तो चूंकि दरिया के पार नहीं जाना, डोग तैर के इसके पास आएगा, तो ये वो सीन की रिहर्सल बता रही है कि स्ट्राइक्स है, स्ट्राइक्स कौन है, दोसख का एक दरिया है, द स्ट्राइक इज मेड फ्रॉम द टीयर्स ऑफ द पेनिटेंट, पेनिटेंट कौन है, वो जो ताइब लोग होते हैं, वो जो पछताते हैं, वो जो अपनी मुसाइब से एंड सफरिंग्स, और अपने मुसाइब से जब वो पछताते हैं तो रोते हैं कि मैंने ये गुनाह कर दिया, तो फिर वो दरिया बन गया स्ट्राइक्स का। अब कहती है स्ट्राइक्स जो है ना वो उससे बना है, और स्ट्राइक्स पार कैसे करना है, बाई फरी पास पार करना है, फरी क्या होता है, यानी एक नाव पे बैठ के उसे पार करना है हम लोगों ने इस दरिया को। मेड फ्रॉम द टीयर्स ऑफ द पेनिटेंट, पेनिटेंट, पेनिटेंट क्या है, हमारे पछताने वाले, पेनिटेंट के आंसुओं से बना है, सफरिंग्स और उनके मसाइब से, व्हिच इज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, दिलचस्प बात है, डू सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए, बैठिए ना जनाब, देयर विल यू विल सी एवरीथिंग हियर, देयर आई रिहर्सल देखें आप भी, मफन भी, डू नॉट डिस्टर्ब दीज शेड्स ऑफ डार्कनेस, इन अंधेरे अंधेरे सायों को परेशान मत करो, आई यूज द स्पेशल टोन, मैं बड़ी खास आवाज निकाल के ये बोलना चाहता था, वो मफनवी, अब बोलना चाहती हूँ, मफनवी का किरदार है ना कि वो इस किरदार को निभाना चाहती है, मफनवी चूंकि एक लेडी है जो 30 साल के करीब है और बाल लंबे है, शाल ओढ़ी हुई है, अब वो इसको बता रही है कि मेरे डायलॉग्स ऐसे हैं और मुझे एक बड़ी खास आवाज इस्तेमाल करनी है, मिस्टर खासम खासाया पॉटरोइंग डोंट, क्योंकि मुझे कुत्ते का किरदार दिया गया है, अंदर में भी खुश भी नहीं है। मिसेस राफी, नेवर मोर शैल आई बी साइलेंट, मजीद खामोश रहना चाहिए मुझे, लाइटिंग द वाइल्ड बीस्ट, अब वो भी अपने डायलॉग्स रिहर्सल कर रही है, मैंने जंगली जानवरों को भी पालतू कर लिया, बट आई कैन नॉट टेम द टॉर्मेंट ऑफ माय ब्रेस्ट, लेकिन मैं अपने सीने की दर्द को, अपने सीने की अजियत को ठंडा नहीं कर पा रही, ये इसके डायलॉग्स हैं, वो ऊपर उसका डायलॉग था।
Your eyes let me clasp your marble bosom to my panting breast and warm it with my heart. अब ये लाइन उसको कह रही है जो उसका नाम है जो इनका मुकद्दस किरदार है और उसको कह रही है कि मुझे जकड़ने दो किसको योर तुम्हारे क्लास को जकड़ने दो योर मार्बल बॉसम अपने इस मखमली सीने को मुझे जकड़ने दो टू टू माई पैंटिंग ब्रीस्ट मेरा ये जो हांफता सीना है वो आई एंड वार्म इट और गर्मी पाए विद माई हर्ट मेरा दिल जिली स्टार्ट्स टू क्राई इतने जज्बाती डायलॉग्स आई हाय जिली ने रोना शुरू कर दिया जिली को हम व्यूअर जिली छोटी लड़की है ना नौजवान लड़की है जो टीनेजर है तो उसने क्राइंग करना शुरू कर दिया जिली ओह डियर सो सॉरी सो मूविंग सो सैड ओह माय गॉड कैसे डायलॉग्स तुम लोगों ने बोल दिए मुझे तो रोना पिटना आ गया मिसेस राफी लेट इट फ्लो डियर चलने दो इसे बी मूव्ड हमें करने दो इट इज टू बी एक्सपेक्टेड हाँ ऐसा तो मुतवक्का ही था कि जनाब ऐसा होगा आप रोए पिटेंगे क्योंकि लोगों को जज्बाती करना ना कैथारसिस करवाने वाला सीन आ गया है जी हाउ अवफुल ओ माय गॉड कितना खौफनाक सीन है ये जज्बाती सीन है शी रन्स क्राइंग फ्रॉम द रूम भागती हुई कमरे से चली जाती है आई होप यू यू ऑल एक्ट लाइक डैट ऑन द नाइट मुझे लगता है ऐसे जज्बाती होकर इतने सारे के सारे काम करना उस रात भी रिचल आई विल गो आफ्टर हर हाँ हाँ मुझे उसके पीछे जाना चाहिए रिचल जो कि फ्रेंड है उसकी और उसकी दोस्त जो है वो परेशान है और रिचल भी रिचल मोटा है एक शख्स है लेकिन काबिल बहुत है रिचल मैन है अब उसने कहा कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ उसको तसल्ली देने के लिए और फोन से पहले मिसेस राफी ने उसको डेली डांटा और बोला लीव हर रहने दो नेवर शो एन इंटरेस्ट इन द पैशंस ऑफ द यंग्स नौजवानों को कुछ ज्यादा जज्बात दिखाने की जरूरत नहीं इट मेक्स देम ग्रो अप सेल्फिश ऐसे ही रोएं पिटेंगे तुम्हें तजर्बा होएगा डेविस विल पार्ट हर डेविस जो इनकी हादामा है वो उसे देख लेगी एंड गिव हर सम टी एंड स्लाइस ऑफ केक कुछ उसे चाय दे देगी कुछ केक वेक दे देगी यूरिडाइज ओ स्पीक बोल यूरिडाइज फौरन अपने किरदार पर आ गई है शी एंबैरसेस मफनवी और मफनवी को गले लगा देती है अवे डिस्ट्रैक्टेड मैम आई एम अ डॉग अब चूंकि वो भी किरदार में है उसने से कहा कि पीछे रहो मुझसे तुम भटकती हो तुमने मेरी तवज्जो फेर दी डिस्ट्रैक्टेड मैम तुम वो आदमी हो जो जिनकी तवज्जो फिर जाती है भटके हुए लोग होते हो मुझसे दूर रहो Mrs. Dellyhouse, shouldn't she get down on all four? Mrs. Dellyhouse ने अपना एक मशवरा दिया क्या नहीं होना चाहिए कि ये अपने चार टांगों पर आ जाए क्योंकि डॉग का किरदार हो रहा है कि डॉग चार टांगों पर ही होते हैं Mrs. Raffi, Jessica, I am directing this production. Again, authority. जैसिका तुम जानती हो कि मैं इस प्रोडक्शन को हदायत दे रही हूँ योर जॉब इज टू सेल प्रोग्राम तुम्हारा काम है सिर्फ प्रोग्राम को बेचो एंड असिस्ट द स्टेज और स्टेज पर मदद करो कारपेंटर की तुमने उस पुराने प्लोटो को जगा दिया यानी सोए हुए देवता को जगा दिया द गॉड ऑफ दिस प्लेस इस जगह का खुदा था इस जगह का खुदा यानी वो जो डॉग का किरदार अदा कर रही है और कह रही है कि तुमने उसको जगा दिया शैल आई नो आई शैल बी वेल थ्रैश्ड अब मुझे बहुत ज्यादा शिकस्त होने वाली है मुझे शिकस्त हो जाएगी क्यों क्योंकि मेरी वो इबादत खत्म हो गई तो मेरी दुआ कबूल नहीं होगी अब प्रॉब्लम आएगी स्लाइट पॉज और एकदम से वो रुक जाते हैं मिसेस राफी लाउडली प्लूटो कम्स वो कहती आओ जल्दी से आओ प्लूटो Nothing happens. कुछ भी नहीं होता. Louder. उसी ऊंची आवाज लगाते हैं. The God of Hell calls. God of Hell बुलाती है. फिर आवाज आती है. Why sir? अबे why sir बोल रहा है. Oh dear. Why sir ने अगर अपना dialogue बोला. The God of Hell कौन था? Why sir था. Why sir आ नहीं रहा. Pluto कौन था? Pluto why sir था. हाँ प्लूटो की उसने कहा मफनवी ने कहा मफनवी जो कि डॉग का किरदार अदा कर रही है कहती प्लूटो मुझे सजा देगा प्लूटो कौन था प्लूटो था वाइसर वाइसर ने आया ही कोई नहीं उसने कहा वाइसर यानी वाइसर आके अपना किरदार अदा करो आओ अंदर आके हमारे साथ अपने डायलॉग्स बोलो लेकिन वाइसर कौन था बुरा था मगर नौजवान लगता है वो अंदर कोई नहीं आया है अब उसने आके उसे मजीद ऊंची आवाज में कहा वाइसर अब वाइसर बोला ओ डियर आई थॉट आई वाज बीइंग समन्ड बाय जिब्राइल ओ ओ माफ कीजिएगा मुझे लगा मैं जिब्राइल से बुलाया जा रहा हूँ पार्डन मी माजरत हुआ हूँ फॉलो थेस्पियंस अब थेस्पियंस जो हैं वो सारे किरदार होते हैं जो
अदा किए जाते हैं, अदाकारों को कहते हैं थेस्पियंस, सारे के सारे थेस्पियंस के पीछे आते हैं। आई वॉज एडमायरिंग योर बाइब्लियोग्राफिक स्प्लेंडर, मैं जनाब आपकी इस बाइब्लियोग्राफिक किताबी जो इनकी मजहबी किताब है उसकी शान की, जो आपने ये किरदार निकाले हैं और ये चुन के हमारा प्ले बनाया है, मैं एडमायर करता हूँ, तारीफ करता हूँ मिसेस राफी, अ ट्रू डिलाइट जनाब, मुझे तो दिली खुशी हुई है मिसेस राफी। नेवर माइंड बुक्स नाउ, अभी किताबों का जिक्र मत करो मेरे सामने भाई सर, वी आर स्ट्रगलिंग विद लाइफ, हम जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ सर। सो क्वाइट आई वेट डायरेक्शंस। जी जनाब बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं हदायत का इंतजार करता हूँ। मिसेस राफी यू कम ऑन द फॉर साइड ऑफ स्टाइक्स, आप आते जाएं और स्टाइक्स के उस एरिया पर आए जो दूर वाला एरिया था, स्टाइक्स क्या था, बदरिया था वाई सर। लाइको ठीक कह रहे हैं, गुड बिल्कुल ठीक। नाउ वेयर आर दीज एक्सीलेंस लाइन्स, हाय कहाँ है वो मेरी शानदार लाइनें जो मैंने बोलनी है, या ये अब चापलूसी हो रही है। व्हाट इज द दिस ड्रेडफुल वेलिंग, हाय हाय किस किस्म की ये खौफनाक चीखो पुकार है। बाय द बाय बहरहाल मिसेस राफी सासा डायलॉग बोल रहा है, सासा मिसेस राफी को इन्वॉल्व कर रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ लाइट रिलीफ थोड़ा सा मुझे सुकून चाहिए। माइट आई एट दिस जंक्शन, क्या हो सकता है कि मैं इसमें कुछ मिला दूं, एड अ रेफरेंस, कोई हवाला डाल दूं, असली रेफरेंस, बड़ा ही कोई चलाकी का असली रेफरेंस डाल दूं। लेडीज सुनिए मेरी बात, टू द सर्टन चर्च, एक चर्च में क्वायर, क्वायर होता है जो जो उनका कोरस होता है जिसमें सारे मिलके गाने गाते हैं, ऑफ माय अक्वेंटेंस। अब ये अपनी एक उसमें जैसे कहते हैं ना डोई फेरने वाला है और उसको कह रहा है कि मैं भी कुछ इसमें अपनी डाल दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। मिसेस साफी है किसी को इजाजत देने वाली, इसको हम नेक्स्ट एक्ट में देखते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन योर स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफिज़।